अक्सर आपने धार्मिक गुरुओं और बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि इस दुनिया में स्वर्ग और नरक दोनों होता है। जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है और जो बुरे कर्म करता है उसे नरक में स्थान मिलता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि नरक का दरवाजा असल में इस धरती पर ही मौजूद है? शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी, पर ये सच है। धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ विशाल गड्ढे मौजूद हैं जो सालों से लगातार चल रहे हैं। इन्हें नरक का दरवाजा कहा जाता है। ट्विटर के अनुसार तुर्कमेनिस्तान में यह नरक का दरवाजा मौजूद है, जो असल में एक विशाल क्रेटर या गड्ढा है। ये 230 फीट चौड़े गड्ढे पिछले 50 साल से लगातार चल रहे हैं। ये इतने बड़े हैं कि बड़ी आबादी इसमें समा सकती है। गड्ढे से बराबर निकलने वाली जहरीली गैस आसपास रहने वाले लोगों को धीरे धीरे मार रही है। ये उन्हें अस्वस्थ बनाती जा रही है। ये विशाल क्रेटर काराकुम रेगिस्तान में है, जो अशगाबाद शहर से करीब 160 मील की दूरी पर है। हर वक्त आग जलते रहने के कारण ही इसे माउथ ऑफ द हेल या गेट ऑफ हेल भी कहा जाता है। इसी साल की शुरुआत में एक खबर आई थी कि तुर्कमेनिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति गुरबांगली ने यह फैसला किया है कि इन गड्ढों को ढका जाए और इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। उन्होंने इसके आदेश भी दे दिए हैं और अपने मंत्रियों से कहा है कि वो विश्व के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स को खोजें जो इस क्रेटर को बंद करने में सक्षम हो। आग को बुझाने की बहुत कोशिशें की गईं, पर लोग नाकाम रहे। ये गड्ढा हमेशा से यहाँ मौजूद नहीं था। दरअसल माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की हालत ठीक नहीं थी। उन्हें तेल और प्राकृतिक गैस की काफी आवश्यकता थी। उस वक्त वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान में खुदाई शुरू की और तेल खोजने लगे। उन्हें प्राकृतिक गैस तो मिली, मगर जहां उन्होंने उसे खोजा वहां जमीन धस गई और ये विशाल गड्ढा बन गया। गड्ढों में से मीथेन गैस का रिसाव भी तेजी से हुआ। वायुमंडल को ज्यादा नुकसान न पहुंचे तो इसीलिए उन्होंने गड्ढे में आग लगा दी। उन्हें लगा था कि जैसे ही गैस खत्म होगी वैसे ही आग बुझ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ और 50 साल बाद भी गैस लगातार जल रही है। हालांकि इस दावे की सच्चाई के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का यही मानना है। इसके अलावा भी कई थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि इस गड्ढे में ये आग कब बुझेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अमर उजाला। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।